नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। राजस्थान के झुंझुनू जिले की ये खबर है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। इस धरती ने हजारों की संख्या में वीर सपूतों को जन्म दिया है जो मौके पड़ने पर अपने बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन यहाँ एक कहानी ऐसी भी है जो 97 साल के बुजुर्ग चाबा सिपाही की जंग की कहानी है, जिन्होंने सिस्टम से लंबी लड़ाई कर 97 साल की उम्र में जीत पाई है। पिछले 5 दशकों से बलवंत सिंह अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। 97 वर्षीय पूर्व सैनिक बलवंत सिंह को मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने विकलांगता पेंशन की मंजूरी दे दी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बलवंत सिंह ने 1944 में अपना एक पैर गवा दिया था, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया था। तभी से बलवंत सिंह पेंशन पाने के लिए संघर्षरत थे। गौरतलब है कि 1972 में केंद्र सरकार ने उन सभी लोगों को युद्ध चोट पेंशन देने का प्रावधान किया जो विभिन्न युद्ध के दौरान घायल हुए थे। विश्व युद्धों के दौरान घायल हुए लोगों को पेंशन देने से मना कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ ये जाबाज सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जयपुर की शरण में गया था। और 50 सालों के बाद जब बलवंत सिंह को मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने विकलांगता पेंशन की मंजूरी दी तो ये खबर सुनकर आंख में खुशी के आंसू आ गए। हालांकि अकेले दूसरे विश्व युद्ध में 2.5 मिलियन से ज्यादा भारतीय लड़े, लेकिन प्रावधान ना होने के चलते भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन कानूनी रूप से पेंशन के हकदार होने के चलते बलवंत सिंह को अब न्याय मिल गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।